हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ खूब सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमारी लाइफ को बनाने वाले हैं काफी इजी। एक चीज तो हम भूल ही जाते हैं क्लीनिंग के टाइम पे, वो क्या है आज वो भी देख लेते हैं। टिप नंबर वन है, हमारे घरों में ना लाइटर होता है, हम इसको हमेशा भूल जाते हैं इसको क्लीन करना। सालों साल हम इसी को एक को ही यूज करते रहते हैं। इस तरह से आपने फ्रंट की साइड में अच्छे से कवर पहना देना है ताकि इसमें पानी ना जा सके। और जो हम ब्रश यूज़ करते हैं वो स्टील का होता है ना, उसमें हम जो क्लीन करते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा सोप लगा लेना होता है। और इसको पानी बिल्कुल कम ही रखें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगा के आपने इसको अच्छे से इसको घिस देना है। पानी बिल्कुल भी ना डालें, पानी में चला जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से करके थोड़ा सा आप इसको पानी से धो लें तो ये क्लीन हो जाएगा, काफ़ी शाइनिंग करेगा और न्यू एकदम बिल्कुल आपने अभी जाके ख़रीदा है इस तरह हो जाएगा। हम अक्सर घरों में खाना बनाने के टाइम पे चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं और भूल जाते हैं, तो इसके लिए सेकेंड मेरा जो टिप है काफ़ी ख़ास होने वाला है। गौर से देखें और इसको फॉलो करें। जब भी हम चीज़ों को निकालते हैं इस्तेमाल करने के लिए, लिड हो गया, उसकी डिफरेंट तरह के लिड्स होते हैं, वो सब कुछ हम इधर उधर रख देते हैं और हमें टाइम पे एक बॉक्स के लिए एक लिड चाहिए तो वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। इसलिए इस तरह का एक आपने जो बास्केट होता है वो लेकर आना है और एक कॉर्नर पे इसको रख देना है, या फिर आप अंदर भी रख सकते हैं, जो अंदर के एरिया होते हैं उसमें भी रख सकते हैं। और जो जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई है वो उसी टाइम पे आपने वहाँ पे रख देना है ताकि आपका किचन मेसी ना हो और आपको काम करने के टाइम पे काफ़ी इजी हो और इजी वे में आप सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। टिप नंबर थ्री जो कि है, हमारे घर में हम बच्चों के लिए वाइप्स लेकर आते हैं या फिर हम अलग से वाइप्स एक ला के रख लें तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है ये। तो इस तरह का बस एक वाइप लेना है और सारे जो गंदे हमारे स्विच बोर्ड होते हैं घर के, उन सारे स्विच बोर्ड्स को आपने अच्छे से इसको क्लीन करना है। बस इसको क्या करना है, आपने एक जो स्टील का ब्रश होता है उसे लेके आपने थोड़ा सा बस हल्का सा वाटर लगाना है, उसमें थोड़ा सा सोप लगाना है, जेल लिक्विड लगा सकते हैं। इस तरह से अच्छे से इसको घिस देना है और आपने वाइप्स को वाइप से इसको अच्छे से पोंछ लेना है। इस तरह से आप सारे घर के जो स्विचेस होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, सारे को एक ही से क्लीन कर सकते हैं। बस इसको दो से तीन टाइम वॉश करें, जो वाइप्स होता है उसको वॉश करें और दोबारा यूज़ करते जाएं तो हो जाएगा आपका काम। तो नेक्स्ट हमारा जो टिप है वो है अंदर की जो गंदगी होती है कॉर्नर की सतह पे, वहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता। तो आपने इस तरह से जो हम चम्मच यूज़ करते हैं तो उस चम्मच में, या फिर आपने जो चाय की जो छनी होती है उसमें भी लगा सकते हैं, उसमें लगा के इस तरह से कॉर्नर की सतह पे अंदर जो गंदगी मैल धूल जमी होती है वहाँ पे आप इस तरह से डाल के अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। जहाँ पे कॉर्नर की काफ़ी छोटी छोटी जगहें होती हैं वहाँ पे आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, काफ़ी सारा गंद निकलता है। तो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स से आप अपने घर को आराम से अच्छे से कॉर्नर के साइड सब जगह पे आप अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा जो सॉक्स है उसको पहना देना होता है, जो आपकी छलनी या फिर आपकी जो भी आप जो तवे रोटी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने चम्मच उसमें डाल देना है और इसको आराम से आप अंदर की सतह पे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और थोड़ा सा वाटर इसमें डाल दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की ज़बरदस्त से वीडियोस के लिए। टिप नंबर फाइव है, एक्सेसरीज को ऑर्गेनाइज करके रखें तो ही बेहतर और अच्छा नीट एंड क्लीन लगता है। आप इधर उधर फेंक देंगे तो काफ़ी सारा गंदगी लगती है। तो इस तरह से होल्डर्स मिलते हैं, 150 रुपीज़ में ये मिल गया था मुझे, 130 में भी मिलता है। तो इस तरह से झाड़ू पोछा सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। टिप नंबर फाइव देख लेते हैं, हम अक्सर घरों में राइस को लेकर आते हैं, राइस को हम डाल के रख देते हैं लिड लगा के, तो उसमें आपने क्या करना है, थोड़ी सी जो मिर्चियाँ होती हैं रेड चिलीज वो डाल देनी है। अंदर के साइड्स में भी डाल सकते हैं, अंदर मैंने थोड़े डाले हुए हैं इसलिए मैं ऊपर थोड़े डाल रही हूँ जस्ट दिखाने के लिए। तो डाल के आपने इसको रख देना है, इससे छोटे छोटे जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे और आराम से लंबे समय तक अच्छे से ये चल जाते हैं।
इतने सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कोई करते नहीं, क्योंकि जो स्मॉल यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो बिग यूट्यूबर्स को ही सपोर्ट करते रहते हैं। तो हम जैसे स्मॉल यूट्यूबर्स को भी आपने सपोर्ट करें, ताकि उनसे भी अच्छी हम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, अब पम्पकिन लेकर आते हैं, तो उसका ऊपर का जो छिलका होता है वो ग्रीन होना चाहिए, येलोइश नहीं होना चाहिए। तो इसे पता चलता है कि पम्पकिन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। तो इसमें 1-2-3 मसाला ऐड कर सकते हैं, जो इंडियन मसाला होता है वो ऐड करके आप इसकी सब्ज़ी बनाएं, जितना भी जो भी डालना चाहते हैं डाल के उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें। ठीक है, तो ज़बरदस्त ही सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाती है। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो है मेरे जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इंस्टा में ग्रुप बनाया है, जो मैं क्लोथ सेल करती हूँ, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है। तो आप ज़रूर से उसको ज्वाइन करिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, व्हाट्सएप का भी और इंस्टा का भी दे दूँगी। ज़रूर से फटाफट से जाएँ, सोचिएगा मैं अभी जल्दी से जाएँ और जाके मेरे उस लिंक को ज्वाइन करें, और ज़बरदस्त से A to Z आपको ज़बरदस्त से वेलवेट के सूट हो गए, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो डायरेक्ट वहाँ से आप जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।